नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। अस्थमा है तो 6 चीजों से करें परहेज और 6 बातों का रखें ध्यान। जानिए अस्थमा का आयुर्वेदिक इलाज डॉक्टर प्रताप चौहान से संजीवनी में आज दोपहर 2:26 पर। अस्थमा सांस से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उन 6 चीजों की जो अस्थमा के ट्रिगर्स हैं, यानी अस्थमा को अचानक से बढ़ा सकती हैं। ये चीजें आपके घर, आपके ऑफिस, आपके बच्चे के स्कूल, पार्क, मॉल, कहीं भी हो सकती है। इनसे अस्थमा के मरीजों को कैसे बचना है, आइए जानते हैं इस बारे में। डॉक्टर चौहान, अस्थमा क्या है ये हम एक मोटे तौर पर इस बारे में जानते हैं, लेकिन अस्थमा को ट्रिगर क्या चीजें करती हैं इस बारे में भी समझना जरूरी है, इसलिए व्यूअर्स को सबसे पहले इसके बारे में बताइए। देखिए, बहुत अच्छा विषय है। पहले थोड़ा सा मैं आयुर्वेद की दृष्टि से सबको बता दूं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अस्थमा यदि हो गया है या दमा हो गया है तो लोग कहते हैं दमा दम के साथ ही जाने वाला है, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन आयुर्वेद में ये जो रोग है श्वास रोग के नाम से वर्णित है। 5 प्रकार के श्वास रोग आयुर्वेद में लिखे हैं और उसमें से आम तौर पर जिसको हम ब्रोंकियल अस्थमा कहते हैं या दमा कहते हैं वो तमक श्वास के नाम से वर्णित है। और आपको ये मैं बता देता हूं कि बड़ा मूल रूप से जो है वहां लिखा है कि कफ वर्धक भोजन जो होते हैं, ट्रिगर्स की बात जरूर करेंगे लेकिन जो कफ को बढ़ाने वाले खाने होते हैं, या आपके पेट में यदि आम बनता है, अपच यदि पेट में है, और इसके अलावा एक बहुत जो मूल कारण जो है जिसको लोग नहीं समझते, ओवरवर्किंग। आज के युग में जो है अपनी ताकत से अधिक काम करना, ओवर एक्सरसाइज करना या एक्सेसिव जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंडल्ज होना, ये तमाम कारण वहां पर लिखे हैं। आयुर्वेद के ट्रिगर्स की अगर बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आपके घर में जो अंदर धूल होती है, बिस्तर के अंदर धूल, कपड़ों के अंदर धूल होती है, या ह्यूमिडिटी के कारण कई बार जब बरसात का सीजन आता है तो गीलापन होता है कपड़ों में, ये लोगों के अस्थमा को ट्रिगर करता है। क्या करना है आपको, साफ सफाई रखनी है। अगर आपके ज्यादा कुछ वैसे सोफे वगैरह हैं जहां धूल मिट्टी है उसको झाड़ना है, वैक्यूम क्लीनर आप यूज कर सकते हैं, और खास तौर से ह्यूमिडिटी को आपने दूर रखना। आजकल डिह्यूमिडिफायर भी मिलते हैं आपको, लेकिन उसमें मोस्टली अगर खिड़की खोलेंगे, धूप निकले, थोड़ा धूप आए कमरे में तो उससे सूख जाता है। दूसरा ट्रिगर ध्यान रखना है वो है स्मोकिंग। बहुत ही खतरनाक चीज है, केवल उन लोगों के लिए नहीं जो स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो उनके आसपास रहते हैं। कई बार घर में छोटे बच्चे हैं, उसके पिताजी अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, या आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्मोक करता है और आप वहां बैठे हुए हैं, तो आपको भी खतरा है, आपको अस्थमा हो सकता है, और स्मोकिंग से भी अस्थमा जो है वो ट्रिगर होता है। यानी कि अगर आपका सांस उखड़ता है कभी तो उसमें स्मोकिंग, तंबाकू भी एक कारण होता है। डॉक्टर चौहान, आपने 2 चीजों की बात की जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, वो कौन सी तीसरी और चौथी चीज है जो अस्थमा को बढ़ा सकती है और इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे कॉमन चीज आजकल शहरों में खासतौर से लोग जो पेट्स रखते हैं, कुछ लोग कुत्ते रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, वो भी बड़े बड़े अलग अलग टाइप के कुत्ते आ गए, उनमें बाल बहुत होते हैं, उनके बाल आपके बिस्तर पर पूरे घर में उनके बाल गिरे होते हैं, कई लोगों को ये ट्रिगर करता है। आजकल तो लोग रैबिट भी रखने लगे, खरगोश भी रखते हैं, अलग अलग प्रकार के पेट्स लोग रखने लगे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर से जो बाल गिरते हैं, इनके अंदर से कोई विशेष स्मेल आती है, और खास तौर से ये जब हमारे पूरे घर में घूमते रहते हैं तो ये अस्थमा को ट्रिगर करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको पेट्स से एलर्जी डॉक्टर लोग बोल देते हैं। तो एक तो आपसे निवेदन है, करना क्या है कि आप जो है उनका एक अलग स्थान बनाइए घर में। ऐसा नहीं है कि हर जगह वो आपके साथ साथ रहे, किचन में भी है, पूजा के कमरे में भी है, बेडरूम में भी है, एक अलग स्पेस बनाइए वहां वो रहें, अलग स्पेस बनाइए जहां पर उनके साथ टाइम स्पेंड करें। जैसे आपके बच्चे होते हैं, आजकल बच्चों का एक अलग बेडरूम बनाते हैं, आप वहीं पर वो रहते हैं, फिर आपके साथ लिविंग रूम में मिलते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं जाकर के। दूसरा जो है अपने रूम्स को क्लीन रखें, साफ रखें, विशेष रूप से कुछ एयर प्यूरिफायर वगैरह आप यूज कर सकते हैं
क्योंकि उनके अंदर से कुछ ऐसे जो निकलते हैं बालों के या कुछ जो के एयर में रहते हैं, तो उसको साफ करते रहना, कोई ऐसे माइक्रोब्स उनके अंदर से ना निकलें जो आपको ट्रिगर करें। और इसके अलावा जो चौथी चीज है वो है स्ट्रॉन्ग स्मेल। बहुत सारी चीजें हैं, परफ्यूम्स हैं, पेंट है, केमिकल स्प्रे होता है जो लगाते हैं आजकल, कई तरह के केमिकल या डिओड्रेंट वगैरह का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को जो है लोशन लगाने से, क्रीम लगाने से भी एलर्जी होती है, या मच्छर को जो भगाने वाली, वो जो धुआं करने वाली आजकल लगाते हैं कुछ अगरबत्ती टाइप की, कुछ लोगों को नॉर्मल अगरबत्ती से भी जो है कई प्रकार की स्मेल जो है वो आपको ट्रिगर कर सकती है। कुछ लोग रसोई में जो छोंक लगता है या मसालों की स्मेल से भी उनको ट्रिगर होता है, या फिर जो है इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल हो वो आपके जो है अस्थमा को ट्रिगर कर सकती है। इसके लिए सरल तरीका है, नाक की अंदर की परत को मजबूत बनाना है आपको। और उसके लिए क्या करेंगे, नाक में तेल डालिए। हमारे यहाँ एक अनु ऑयल मिलता है, आजकल बहुत पॉपुलर है, कोरोना के समय में बहुत लोग अनु ऑयल को नाक में डाल रहे हैं। बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, देसी घी लगा सकते हैं, और हफ्ता में एक दो बार एक नस्य चिकित्सा हमारे यहाँ होती है, वो आप हमारे यहाँ आकर के क्लिनिक में नस्य कराएं, या फिर च्यवनप्राश रेगुलरली खाएं। आपका नाक, गला और फेफड़े ये मजबूत रहने चाहिए। संजीवनी दर्शक अभिषेक गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ का अब तो कोविड 19 प्लस पॉल्यूशन दो चीजों के चक्कर में पूरी तरीके से हमारे बॉडी की जो स्टेमिना है सर बहुत कम हो चुकी है। अब इस कंडीशन में काम काज करने में मन ना लगता, नींद का कम आना, लेट नाइट में स्लीपिंग हो रही, मोबाइल का यूज भी ज्यादा करना पड़ता है, तो हम अपने आप को और क्या बेहतर प्लान कर सकते हैं सर इस विषय में? देखिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और ये मैं बता दूं सभी दर्शकों को, बहुत सारे लोगों को कोविड पॉजिटिव हो रहा है, उससे निकल भी रहे हैं। हमारे भारत में जो है वो रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें संतुष्ट मत हो जाइए आप लोग कि अब तो हम ठीक हो गए हैं और हम तो बिल्कुल अब जो है हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। ठीक होने के बाद भी आपको आयुर्वेद से जुड़ना है, और आयुर्वेद से जुड़ना इसलिए कि जो जो डैमेज हुआ है आपके अंदर, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ है, चाहे आपके दूसरे ऑर्गन्स में, उसको रिकवर करना है जल्दी से जल्दी। नहीं तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कमजोरी महसूस होना, किसी में थकान जल्दी हो जाना, ये आगे चल के दूसरे फिर इन्फेक्शन होंगे, दूसरी बीमारी होंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा जो है हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लें, थोड़ा वो अच्छी तरह से समझ लेंगे कौन से सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है, और आपको पर्सनलाइज दवाई बना करके हम देंगे। इन द मीन टाइम दो चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, एक तो ओजस कैप्सूल हमारा बहुत बढ़िया है, ओजस कैप्सूल एक कैप्सूल रोज खाएं, सभी लोग इसको खा सकते हैं, इवन जो अभी जो इम्यूनिटी का भी जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी वो भी ले सकते हैं। दूसरा अश्वगंधा टैबलेट तो आजकल बहुत पॉपुलर है, वो भी आप जो है सुबह शाम एक एक गोली उसका सेवन करें, और मानसिक जो हमारी शक्ति है उसको बढ़ाने के लिए ब्राह्मी टैबलेट और स्ट्रेस फ्री दोनों गोलियां बहुत अच्छी हैं हमारी, इनका सेवन भी आप नियमित रूप से करें। डॉक्टर शाहान आप दो और चीजों की बात कर लेते हैं, पांचवी और छठी चीज वो कौन सी है जो अस्थमा को बढ़ा सकती है और क्या करना चाहिए इसको अवॉइड करने के लिए? देखिए सबसे जो है इम्पोर्टेंट चीज जो पांचवें नंबर पर आती है वो है हमारी बाहर की एनवायरनमेंट, जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है ठंडी हवा अगर चल रही है कहीं पर बाहर, अगर ठंड है या फिर ठंडा सीजन जब विंटर्स आती है उस समय, या जो बसंत ऋतु होती है उसमें कफ का प्रकोप स्वयं होता है, आयुर्वेद में ऐसा वर्णन है। ठंडे स्थान का जो भी है, जो है जिस तरह का कोई आप ठंडी जगह पर रह रहे हैं, जैसे आप कहीं हिमाचल प्रदेश में कश्मीर में रहते हैं, तो ये तमाम चीजें, और चेस्ट की इन्फेक्शन कई बार हो जाती है, कुछ लोगों को पुरानी इन्फेक्शन है वो ट्रिगर हो जाती है एनवायरमेंट के कारण। इसमें एक सरल उपाय ये है, गर्म पानी पिए बहुत बढ़िया है, या तो एक कप पानी में तुलसी के पत्ते, एक काली मिर्च, एक लौंग, थोड़ा सा जो है ताजा अदरक, ये डाल करके उबाल करके नियमित रूप से पिए। खास तौर से अगर ठंड में कहीं आपका संपर्क हो जाता है तो उसका ध्यान रखना है, कहीं ठंडे स्थान पर आपको जाना होता है तो टोपी लगाइए, सॉक्स पहनिए, यहाँ से ठंड जल्दी लगती है, और सौंठ का चूर्ण भी आप सेवन कर सकते हैं। आधा चम्मच सौंठ का चूर्ण सुबह शाम शहद में मिला करके चाट लीजिए, खास तौर से सर्दी के मौसम में बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को भी दे सकते हैं, उसको मात्रा थोड़ी कम कर दीजिए। बच्चों के लिए तो एक बहुत अच्छा हमारे यहाँ च्यवनप्राश से भी अच्छी एक बढ़िया चीज बनाइए, बाल ओजस, बच्चों को खिलाएं खूब,
और उनको जो है अस्थमा, ये नाक का प्रॉब्लम, एलर्जी, इससे बचाव होता है और उनकी जो रक्षा होती है, इम्यूनिटी पावर उनकी बढ़ती है। छठी चीज है वो भी मैं बता दूं, वो हमारा खान पान है, जो कफवर्धक भोजन होते हैं, खास तौर से जैसे मिठाई है, दूध से बनी चीजें हैं, या फिर जो ऐसी चीजें बहुत ऑयली, बहुत ग्रीजी ऑयली जो होती है, और कुछ लोगों को दवाइयों से भी ट्रिगर होता है, ये भी ध्यान रखिए, कुछ लोगों को किसी दवाई से रिएक्शन हो जाता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, लास्ट बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको जब कोई मानसिक तनाव होता है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस होती है, तो उनको दमे का अटैक आ जाता है, सफोकेशन फील करते हैं। तो ये तमाम हमने जो डिस्कस किए हैं आज आपके साथ ट्रिगर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनको समझना, और इनका उपचार भी हमने बताया। अगर आपको आप बहुत ज्यादा जो है एलर्जी है किसी चीज से, तो उससे दूर रहिए, कफवर्धक भोजन मत खाइए, और प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ये भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अस्थमा का इलाज कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से, ध्यान से सुनते रहिए। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, जीवा आयुर्वेदा में अस्थमा के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट है और क्या ये रोग जड़ से ठीक हो सकता है? देखिए, अस्थमा के बहुत पेशेंट आते हैं हमारे पास, ऐसे पेशेंट भी हैं जो 20-20 साल से वो पंप ले रहे हैं, इनहेलर ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई ऐसा कोई जादू की छड़ी है हमारे पास या कोई जादू की टेबलेट, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद एक मेडिकल सिस्टम है, अच्छा ट्रीटमेंट होता है। कैसे होता है? सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में बताया कि आयुर्वेद में श्वास रोग का वर्णन किया हुआ है, पुराने हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं, चरक संहिता वगैरह, उसमें श्वास रोग का डिस्क्रिप्शन है। और जीवा में तो पूरे प्रोटोकॉल हम बनाते हैं, आपको मालूम है हर बीमारी का प्रोटोकॉल हमने बनाया है, ताकि हम रोग के रूट कॉज पर पहुंचे। जैसे अभी हमने 6 ट्रिगर्स बताए आपको, तो हर व्यक्ति में अलग अलग ट्रिगर होगा, हर व्यक्ति में अलग अलग कारण होता है, तो उसकी एक संप्राप्ति तैयार की जाती है। आयुर्वेद में संप्राप्ति बहुत आवश्यक है, जो कि पूरा उसका रूट, कहां से रोग शुरू हुआ, कहां पहुंचा, फिर किस तरह से मैनिफेस्ट हुआ, इसको आयुर्वेद में संप्राप्ति बोलते हैं। चरक में जो है 2 प्रकार के चिकित्सा क्रम लिखे हुए हैं, एक सामान्य चिकित्सा क्रम है और एक विशिष्ट चिकित्सा क्रम है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, आप आयुर्वेद को कई बार बहुत हल्के में लेते हैं, इसमें विशेष रूप से लिखा हुआ कि विशिष्ट चिकित्सा किस प्रकार से होनी चाहिए, रोगी के बारे में वर्णन किया है कि रोगी का बल कैसा है ये देखना चाहिए, रोगी कमजोर है या रोगी बहुत जो है थोड़ा मोटा है या पतला है, वो सब देखना पड़ता है। शास्त्रीय औषधियां बहुत अच्छी हैं आयुर्वेद में, जिनमें अनेक प्रकार के चूर्ण, कई प्रकार के टैबलेट, गोल्ड के प्रिपरेशन भी इसमें यूज किए जाते हैं, कई प्रकार के गोल्ड के प्रिपरेशन है, कई प्रकार के क्वात हैं जिसको काढ़ा बोलते हैं, आसव अरिष्ट हैं, और पंचकर्म चिकित्सा भी हम जीवा में प्रयोग करते हैं। जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं उनको पंचकर्म चिकित्सा भी कराई जाती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता दूं कि आपको हम साथ में ये भी शिक्षित करते हैं कि आपके अस्थमा का निदान क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, और उस निदान का परिवर्जन, उस निदान को हटाने का काम भी आपके साथ मिलकर के हम करते हैं। और साथ में जब रोग जैसे आपका ठीक होने लगता है, तो आपको हम रसायन चिकित्सा, यानी कि आपके शरीर की शक्ति, आपका ओज की वृद्धि, आपके अग्नि का ध्यान रखना, आपके स्रोतस बिल्कुल क्लीन रहे, बॉडी में किसी प्रकार के टॉक्सिन जमा ना हो, बड़ा ही एक कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट सिस्टम है आयुर्वेद, लेकिन सरल है। आप लोगों को केवल हमारी बात मान करके चलना होता है, और फिर देखिए पुराने से पुराने रोग भी गायब हो जाते हैं। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका संजीवनी में। अब वक्त हो चला है आज की संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, नारियल के तेल के वो फायदे बताएं जो लोगों को अमूमन नहीं पता होते। देखिए, नारियल का तेल तो आमतौर पर लोग सिर में लगाते हैं, लेकिन आपको कुछ और गुण इसके बताता हूं जो कि शायद आपको नहीं कभी सुना होगा। सबसे पहला गुण इसमें कीटाणु नाशक है, एंटी माइक्रोबियल है, तो इंटरनल इसका प्रयोग किया जाता है, कई दवाइयों में भी प्रयोग किया जाता है इसका। खास तौर से अगर मॉर्निंग के टाइम में 1 चम्मच नारियल का तेल मुंह में डाल करके और आप उसको घुमाएंगे, जिसको ऑयल पुलिंग हम लोग बोलते हैं, तो ऑयल पुलिंग है करने से जो माइक्रोब्स आपके माउथ कैविटी में, मुंह के अंदर हैं, इवन गले के अंदर हैं, सबको बाहर निकाल करके ये फेंकता है बाहर, उसको नष्ट करता है माइक्रोब्स को वहां से। डेंड्रफ यदि आपको हो रहा है तो नारियल का तेल ले लीजिए और उसमें बराबर की मात्रा में नींबू का रस मिला करके मिक्सचर बना के जड़ों में थोड़ा मसाज करें,
आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद वॉश करिए नीम के पत्ते उबाल करके नीम के पानी से, या नीम शैम्पू जीवा में मिलता है उससे बालों को धो लीजिए, आपका डैंड्रफ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, हार्ट हृदय को मजबूत बनाता है, त्वचा और बालों को सुंदर बनाता है, और हमारा जो मस्तिष्क है या नर्वस सिस्टम है उसको भी मजबूती देता है नारियल का तेल। डॉक्टर चौहान बहुत धन्यवाद आपका, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की उसके लिए। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।